तो भाई साहब देखो, क्योंकि अभी किस रिसेंटली किसी का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, चोट वगैरह लगी। जितना सोचा था वो तो चली भी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये क्या हुआ भाई? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी काफ़ी मज़े में हूँ। तो फ्रेंड्स आज आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने एक 100cc प्लेटिना खड़ी हुई है। तो आज गाइज हम इसकी पूरी माइलेज टेस्टिंग करने वाले हैं। तो आज हमारा कहीं थोड़ा सा हमें थोड़े से काम के लिए कहीं जाना है नियर बाय। तो ये देख सकते हैं आप हमारी, ये हमारी अभी न्यूली मेड 2023 मॉडल है। तो आज हम इसकी माइलेज टेस्टिंग करेंगे। तो इसकी ऑलमोस्ट अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसकी अभी फ़िलहाल मीटर कितनी रीडिंग कितनी है, 2437 किलोमीटर चल चुकी है। तो इसकी ऑलमोस्ट अभी फर्स्ट सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट सर्विस के बाद देखते हैं तो हमारी ये 1 लीटर के अंदर कितनी हमारी माइलेज प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स जैसा भी होगा आपको मिलते हैं वैसे रास्ते में। वैसे इसका मैंने जो मेन में सारा फ्यूल था वो निकाल दिया, बस थोड़ा बहुत कार्बोरेटर के अंदर होगा, वो थोड़ा बहुत अब चलता रहेगा, यहाँ भी ख़त्म होता है। मैं आपको जैसे आपको आगे अपडेट देता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए आपसे मिलते हैं ऑन द वे। तो गाइस हमारी बाइक झटके देना स्टार्ट कर दी है। तो यानी कि इसका मतलब मैन के अंदर जो हमारा ऑयल था ना वो फिनिश हो चुका है। तो फिलहाल अभी मेरे पास एक बोतल है उसके अंदर मैंने 1 लीटर ऑयल कैरी कर रखा है। तो अभी इसके अंदर वो डालते हैं और उससे पहले कि हम इसे एक बार पेट्रोल पंप पे जाके इसकी जो हमारी एयर प्रेशर है ना वो चेक कर लेते हैं। तो इस माइलेज टेस्टिंग पे हमारे 2 पर्सन्स रहेंगे बाइक ऑन द बाइक पे। और आज हम जो हमारी हमारी स्पीड रहेगी 50-60 के अंडर रहेगी। तो उसमें देखते हैं हमारी जो ये न्यू प्लेटिना है तो कितनी माइलेज हमें प्रोवाइड करती है। तो फिलहाल देखो अभी मैं रेस दे रहा हूँ तो हल्की जर्क करना है, फिर जर्क करने लगी है स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब जो मैन के अंदर है ना वो सारा ऑयल अब फिनिश हो चुका है। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। तो गाइज ये हमारा वो 1 लीटर ऑयल जो मैंने बोतल में कैरी कर रखा था। तो राम निकला रे, देव मारुस निकला रे। और आपको मैं इसकी जो रीडिंग नोट कराता हूँ तो ये चली है 2440.3 किलोमीटर। तो अब आके ये बिल्कुल पूरी रिजर्व लग चुकी है। तो अब इसके अंदर हम ये 1 लीटर ऑयल डाल देते हैं और फिर देखते हैं हमारी बाइक कितना ट्रेवल करती है, कितनी माइलेज देती है 2% पे 50-60 के उसमें जो हमारी स्पीड रहेगी। तो अब डाल देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर तो हो गया है अप रिजर्व में 1 लीटर के राउंड तेल। देखते हैं इसकी, कहते हैं तो लोग तो कहते हैं 70-75 के राउंड है। वैसे अब आज हम एक्चुअल में देख लेंगे तो इसकी एक्चुअल हमारी माइलेज क्या आती है। हमारा जो पूरा पैच रहेगा तो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर का रहेगा आना जाना, और वो हमारा ऑन हाईवे ही है। तो उसमें हाईवे पे तो वैसे आपको पता ही है अच्छी हमारी जो हमारी माइलेज होती है वो अच्छी तरह पता लगती है। लोकल में तो वही है ना, जगह जगह ब्रेक्स मारनी पड़ती है, एक्सीलेटर देना पड़ता है, गियर चेंजिंग करनी पड़ती है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है, तो इसलिए लोकल में कोई प्रॉपर पता नहीं लग पाता। तो अब हम ऑन रोड इसको चेक करेंगे। और फिलहाल आज सैटरडे का डे है तो रश भी आज का। तो भाई साहब ये देखो, ये आई थिंक सुजुकी की इन्वेक्टा है, आई थिंक नहीं टोयोटा की इनोवा न्यू हाई राइडर, देख रहे हो ये टोयोटा की जो न्यू वाली आई है ना हाई इनोवा, वो चीज वो थी हाई राइडर। तो जय श्री, ये हमारे यहाँ का शिवपुरी मंदिर है तो जय कर रहे थे, जय जय भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखना। तो गाइज अगर आपको इसकी टॉप स्पीड की भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, तो मैं इसकी टॉप स्पीड की भी वीडियो बताऊंगा। और आपको उसको फुल रिव्यू भी चाहिए तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं इसकी टॉप स्पीड प्लस फुल रिव्यू और भी आपको कोई अदर वीडियो चाहिए तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो गाइज आपको एक एक मस्त कार दिखाता हूँ, अभी अभी जस्ट आई है, देखो सामने देख रहे होंगे ना, स्कोडा, स्कोडा की है ये, आई थिंक सुपर्ब है। एक सेकंड अभी इसका करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। ये सुपर्ब है भाई साहब, बहुत ही मस्त कार है, देखो कितनी लुक में, देखो कितनी लंबी कार है ऐसा। एक इसमें दो मॉडल आते हैं, एक रैपिड आता है एक आता है सुपर्ब। सुपर्ब ये ऑलमोस्ट आपका भी फिलहाल करंट सिचुएशन में आइडिया होगा कुछ 35-45 लाख के राउंड होगा ये भाई साहब। वरना ओडी, बिल्कुल ओडी जैसी, वरना जैसी लुक है इसकी आगे से फ्रंट, और बिल्कुल लंबाई देखो भाई साहब, लग्जरी प्रीमियम गाड़ी है ये एक नंबर की। और देखो ये मिरर में देख रहे होंगे आप, ये देखो
भाई साहब। गाइस हम फिलहाल हाईवे से कनेक्ट हो चुके हैं। ये हाईवे जो है ये यूपी जाता है, तो ये यूपी वाला हाईवे के अंदर से आता है सिटी से निकल के। ये थोड़ा सा सिटी से आउटिंग से पड़ता था, तो हम सिटी से अंदर से निकल के आ गए थे। पर गाइस इसकी कंफर्ट की बात करूँ ना, कंफर्ट इस बाइक में बहुत ही अच्छा है। आपको चलाने में कोई थकावट फील नहीं होगी। इसकी जो सीट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके शॉकर है वो भी मोनो शॉक, फ्रंट और जो बैक वाले रियर शॉकर हैं, इसे काफ़ी कंफर्ट है। और सेकेंडली इसका पिकअप मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं स्प्लेंडर लेके क्या नाम लेके गया था कहीं पर, तो उसका मेरे को पिकअप में मेरे को काफ़ी थोड़ा मेरे को उसने डिसअपॉइंट करा मेरे को, क्योंकि वो 40 के बाद जो उसको एक्सीलरेशन देते हैं ना, तो वो मज़े वाली बात नहीं आती जैसे एकदम बाइक को उठना चाहिए, वो थोड़ा धीरे धीरे करके उठती है। इस बाइक के अंदर क्या है, इसको आप एक्सीलरेशन कर दो, ये उससे काफ़ी ही जल्दी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाती है, तो इसका एक अच्छा मेरे को बेनिफिट ये लगा। तो आप अगर फ्यूचर में बाइक अगर प्लान करना चाह रहे हैं, तो ये बाइक आपको बढ़िया रहेगी। और इसकी इसके अंदर तीन मॉडल आते हैं, एक तो आता है 100cc, एक आता है 110, एक आता है ESLOY, एक आता है KSLOY। तो हमारी जो बाइक है ESLOY वाली है। ESLOY का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको 117 किलो के अराउंड इसका वेट मिलेगा, और बाकी इसका ESLOY एक आएगा। KSLOY आती है, उसका 115 किलो है, वो भी 100cc में है। और बाकी उसका बस KSLOY नाम है, और वेट में थोड़ा डिफरेंस है। और बाकी इनकी क्यूबिक सेंटीमीटर वो भी 102cc में, ये भी 102cc में। एक आती है इसी 110cc में, 110cc में क्या है वो आपको उसका वेट भी 125 के अराउंड मिलेगा उसका, और उसके क्यूबिक सेंटीमीटर भी बढ़ जाएंगे कि 110cc हो जाएगी, उसकी थोड़ी माइलेज भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपको मॉडल प्रोवाइड होते हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट चला दी है ये 11 टू 13 किलोमीटर, और अभी देख सकते हैं, अभी देखो इंडिकेशन कहाँ दिखा रहा है ऑयल की। तो चलो जैसा भी होगा चलते रहेंगे, तो आप टाइम लैप्स इंजॉय करो। ओ भाई साहब क्या इंसिडेंस हो गए। भाई साहब वो देख रहे हो आप, तो वहां पर अभी देख रहे हो ना कुछ हो गया वहां पर। तो भाई साहब देखो रिसेंटली किसी का एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, चोट वगैरह लगी रही हो देखो उसको वहां पर। वो देखो एम्बुलेंस आई है फिलहाल, कितनी बैड सिचुएशन है। बता रहे हैं कि उस बंदे की पूरी नाक ही छिल गई है। तो भाई साहब कोई बाइक पे जा रहा था साइड मार के चला गया। तो भाई साहब आज के टाइम में रोड पे चलना भी सेफ नहीं है। फिलहाल अभी हम जमुना पे है, देखो पानी, देखो लास्ट टाइम में दिखाया था ना पूरा कवर था यहाँ से यहाँ तक, ये देखो अब देखो आप ये बस यहाँ तक आ गया। तो फिलहाल अब क्या, उस टाइम तो ज़्यादा बारिश की सिचुएशन थी, अब तो यहाँ तो बहुत ही कम हो गया, अब तो देखो बहुत ही साइलेंट है पानी। इधर भी देख सकते हैं आप, ओ तेरी, देख रहे हो आप कैसे जा रहा है ये डिलेक्स वाला, वो भी हाफ शॉर्ट्स के अंदर। तो गाइज कभी भी आप बाइक चलाओ ना, मैं तो प्रेफर करूँगा कि वो इतना आउटफिट वो डाला करो। तो उससे क्या होता है, इन केस अगर आपको चोट भी लगती है ना, तो आपको जो हमारे क्लोथ्स हैं वो हमें काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये 472 चल गई है इनकी, ऑलमोस्ट लगा के चलो आप 30 के राउंड होने वाली है, 30 किलोमीटर आ चुके हैं। और बाकी देखते हैं, अभी फिलहाल अभी इंडिकेशन तो काफ़ी दिखा रहा है। गाइस ये ट्रक वाला देख रहे हो अभी आप, ये पागल कहीं का अभी एकदम पीछे से मोड़ से इतनी तेज निकला है, अभी ये बच गए दूसरे आदमी, इतना मेंटलों की तरह चला रहा है, पागलों की तरह। तो गाइज कभी भी आप बाइक वगैरह चलाओ, कभी गाड़ी चलाओ, तो इन ट्रक वालों से बच के रहा करो। इसकी लुक काफ़ी गजब लगती थी भाई साहब, अब वाली की तो और भी वैसे अच्छी है, वैसे ये वाली का तो टोरा ही अलग था। भाई साहब देखो कितना अच्छा नंबर, UK07AH5000। भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल VIP नंबर लेके घूम रहे हैं, तो जिनकी भी स्कॉर्पियो है, S1 है आई थी, हाँ S1 ही है, S11 तो दूसरी है। देखो UK07AH5000। तभी 45 किलोमीटर कवर हो चुके हैं, और अब इंडिकेशन देखो फिलहाल अभी यहाँ दिखा रहा है फ्यूल की। तो हमारे सामने सुजुकी की फ्रोनोक्स चल रही है। तो भाई साहब लुक तो उसकी अच्छी है, वैसे पीछे से कुछ कुछ ऐसे लगते जैसे मिनी कूपर। तो आप देखो आर्टिस्ट देख सकते हैं, फ्लाईओवर के नीचे आर्टिस्ट जैसे लिखा हुआ है।
टिकट ले बे। आई थिंक ये ट्रक लेवे के से ट्रक वालों के जो पार्किंग एरिया होते हैं उसको बोलते हैं शायद। वैसे मेरे को प्रॉपर पता तो नहीं है, वैसे आपको पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ट्रक लेवे होता क्या। वैसे व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ भाई? ओ माय गॉड, ये तो 53 किलोमीटर पे ही बोल गई। क्या सोचा था और क्या निकला भाई साहब? अभी अभी वो बस सिनेमैटिक शॉट्स के लिए फोन कैमरा ही ऑन करा था तो ये तो बस जर्क मारने लगी। देखो ये कितना जर्क मार रही है। तो ये इस हिसाब से चली है, अगर हम 60 की स्पीड चलाते हैं तो ये हो रही है 2493 है। ये देखो मैंने पूरी एक्सेलेटर दे दिया है, ये देखो पूरा वो कर गई है। हट मेरे यार, जितना सोचा था वो तो चली भी नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये क्या है? ये लो, ये होगी 2493 यानी कि 2493 पे इसका एमपीटी होगा, 2493.5 पे। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ कितना हुआ है। यहाँ जरा फोकस करना सही अगर आप। तो जब हम इसको लेके चले थे तो हमारे थे 2440 है और माइनस करते हैं 2493.5 2493.5 तो ये देख सकते हैं 53.5। तो भाई साहब इसने ऑन हाईवे और थोड़ा सा लगा लो तो मुश्किल से एरिया होगा 3-4 किलोमीटर का, उस पर सारी ओवरऑल मिला के 60 की स्पीड पे इसने दी है, सारी ओवरऑल मिला के इसने दी है जी माइलेज 53.5 किलोमीटर की माइलेज। तो भाई साहब इसने तो मेरे को बहुत ज़्यादा कर दिया। तो साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे। मैं जिस हिसाब से कंपनी वाले कहते हैं, एक मिनट को रीजन में लगानी पड़ेगी एक सेकंड। तो भाई साहब जिस हिसाब से कंपनी वाले कहते हैं ना कि ये आपको 70 देगी 75 देगी, भाई फिलहाल मेरे को तो इसने दी नहीं। अभी फिलहाल इसने मेरे को जो माइलेज दी आफ्टर फर्स्ट सर्विस 53.5 KMPL की माइलेज दी है। तो भाई साहब इस हिसाब से तो वहाँ तक कहीं तक भी नहीं एक्सपेक्टेशन टच हुई मेरी। और अभी देखते हैं, इसकी दो सर्विस पेंडिंग है, उनका कहना ये है कि अगर आप ये आपकी जो दोनों सर्विस और हो जाती हैं तो उसके बाद ये 70 की देगी। भाई साहब लोकल में फिलहाल 50 की दे रही है तो नहीं भी बस ये 3.5 किलोमीटर का ही फ़र्क पड़ा है। नहीं यार, जितना एक्सपेक्टेशन करा था ना उतना तो कहीं से कहीं तक भी नहीं रहा ये। तो चलो कोई नहीं, आफ्टर जो 2 जो मेरी सर्विस पेंडिंग है ना उसको करवाने के बाद एक बार और इसका रिपीट चेक करेंगे तो किसी क्या माइलेज निकलती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय हरियाणा। और हाँ, इस वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो टेक केयर एंड बाय बाय।